नमस्कार, मैं नितिन दीक्षित फ्रॉम ईस्टर्न फार्म आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। जैसा कि ईस्टर्न फार्म का प्रॉमिस रहा है, हम हर बार एक नए टॉपिक को लेकर एक नया वीडियो बनाते हैं। तो इस बार हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सीरियस इशू है आजकल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बढ़ता हुआ फ्रॉड, स्पेशली फॉर नए एक्सपोर्टर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से वो अपना बायर चेक करें। और ये बायर ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे चेक करेंगे या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन चेक करने के बाद आप उसको ट्रेस कर पाएंगे। हो सकता है कि आप ट्रैप में फर्स्ट डे से फंस जाएं। एजेंट जो आपको दिलवाता है बायर, वो ही पूरा प्लान कर सकता है। एजेंट देन आपका सेकंड एजेंट हो सकता है दुबई में, थर्ड बायर, बायर भी किसी थर्ड बायर को सेल कर सकता है। तो डे फर्स्ट से आपको इस चीज़ का चेकअप करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको इसको चेक करना है, कैसे हम लोग सही बायर को चुन सकते हैं। फर्स्टली मेंशन रहे कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पे होना चाहिए, कुछ भी वर्बली नहीं होना चाहिए। कोई वर्बली ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक, ना मैसेंजर और ना कोई वीडियो कॉल पे। जो भी होगा डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिटर्न में होना चाहिए। आपने क्या, किस प्रकार से, कौन सा प्रोडक्ट, क्या टाइमिंग पे भेजना चाहिए, क्या प्राइसिंग है, जो भी उसमें सब रिटर्न में होना चाहिए। और कोई भी बायर अपना वर्डिंग अगर चेंज करता है तो आप समझ जाएंगे वो ट्रैप है। कभी वो बोलता है कि हम 100% कैश में लेंगे, फिर वो बोलता है हम 30%, फिर हम बोलता है 50%, फिर 70%। तो एंड ऑफ द डे फिर वो उसने माल लेना नहीं है या तो फिर आपको पैसा नहीं देना चाहता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। जिससे भी बात करें, कोई एजेंट भी है तो उसके मालिक से बात करें कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं। बायर है तो बायर जो बायर है उसका ओनर कौन है, थर्ड पार्टी जो ओनर है वो ओनर कौन है, उसको चेक करें। सोशल मीडिया पर चेक करें उसको, व्हाट्सअप पर, अगर व्हाट्सअप पर तो व्हाट्सअप पर उसका फेस है कि नहीं है, उसने अपना फेस यानी फेस वैल्यू भी है कि नहीं उसकी, ना फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, गूगल में सर्च करें उस बारे में। और हो सकता है कि अगर आप सर्च करेंगे तो उसकी जो वेबसाइट आएगी वेबसाइट काम नहीं कर रही होगी। तो ये छोटे छोटे जो चेक पॉइंट हैं उनको आप चेक करने के बाद ही आगे बढ़ें। फिर गवर्नमेंट से आप ECGC चेक कर सकते हैं, उस पार्टी की ECGC है कि नहीं है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, उसके क्रेडिट लिमिट किस प्रकार से है। इसी प्रकार से आप ये तीनों पॉइंट चेक करेंगे, सोशल मीडिया पर, उसका ओनर कौन है और डॉक्यूमेंटेशन पे। और कभी जो भी चीज़ करें आप ईमेल के थ्रू करें, रजिस्टर्ड ईमेल थ्रू, ईमेल के थ्रू करें ना, वहाँ से जो रिप्लाई आता है वो दूसरी उससे आना चाहिए। सेम जिस ईमेल से अपनी बात हुई है उसी ईमेल से हमें आगे बढ़ना है और उसी ईमेल पे ख़त्म होना चाहिए, वरना कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करने वाला है आगे जाकर, कभी आप किस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों का सब ध्यान रखें, सावधानी से काम करें। मैं चाहता हूँ सभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आगे बढ़ें, लेकिन सावधानी से बढ़ें। जैसा कि हम कहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हम एक ही काफ़ी है आबाद गुलिस्ता करने को। सो आएँ, ईमानदारी से काम करें और किसी भी ट्रैप में ना फंसें। सो जैसा कि आपको बता रहा था कि एजेंट का कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर। एजेंट क्या है, 1%, 2%, वो 1-2% का लॉस खा सकता है, यानी उसका हो सकता है ईमानदार भी हो या कुछ भी हो, लेकिन एजेंट 1-2 हज़ार रुपये छोड़ देगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा पैसा, जो कि आपकी पूरी खरी कमाई इसको हम बोलते हैं, वो बर्बाद हो सकती है इसके अंदर। सो हर चेक पॉइंट जो हम बता रहे हैं आपको, इसीलिए बता रहे हैं कि आप हर चीज़ को चेक करें, एजेंट, नॉन एजेंट, बायर, जो भी है सप्लायर, कहीं भी आप ट्रैप पर ना फंसें, इसके अंदर सब चीज़ को रिटर्न में रखें। सो एक छोटी सी गलती हमारी पूरी जमा पूंजी को बर्बाद कर सकती है। हो सकता है कि आपका रिटायरमेंट का पूरा पैसा हो सकता है आपने लोन पर लेकर लिया हो सकता है कि आपने सब दोस्तों ने इकट्ठा करके एक स्टार्टअप चालू करा हो। सो कोई भी जल्दबाजी ना करें, कोई लालच ना करें इसके अंदर। देखिए, इस पूरे बिजनेस में मैं आपको बता दूँ, अगर स्पेशली मैं फूड बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो 3-5% का मार्जिन का बिजनेस है ये। अगर आपको कोई ज़्यादा परसेंटेज दे रहा है तो आप समझ जाएंगे ट्रैप है, क्योंकि कोई भी फ़ायदा देने के, यहाँ बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ आपके पास ही वो प्रोडक्ट है या ऐसा कुछ यूनिक प्रोडक्ट है तो जरूर आप सोच सकते हैं, बट नॉर्मली प्रोडक्ट में, रनिंग प्रोडक्ट है, उसके अंदर यही मार्जिन होता है। कोई अगर बोल रहा है कि हम इतने रेट में ले लेंगे, 30% एडवांस देंगे, 70% एडवांस देंगे, बाकी तो बाकी का पैसा फिर नहीं आने वाला है। आप ध्यान रखें इन चीज़ों को, बहुत ही सिक्योर होकर खेलना पड़ेगा आपको इसके अंदर। और जो बिल्कुल लोन पर्सन है, बहुत ही अच्छी बात है, आप उनसे आकर मिलें, डील करें, एग्रीमेंट बनाकर काम करें, तो ही ये काम बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा और रिटर्न पर रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और सभी को बोलता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्वाइन करें लेकिन सावधानी से करें। ऑल द बेस्ट, नितिन दीक्षित फ्रॉम ईस्टर्न फार्म दुबई।